नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में है, महाराष्ट्र इंडिया में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल फोन एडिक्शन के बारे में बताया था। एज अ साइकेट्रिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, मुझे ये लगता है मैं एम्पथाइज कर सकता हूँ वो उन सब लोगों से जिनके बच्चों को ये सेल फोन एडिक्शन हुआ है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सेल फोन एडिक्शन के बहुत ही डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस है और सेल फोन एडिक्शन के कारण बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि क्या मैं खुद सेल फोन का एडिक्ट बन गया हूं। इतना इंपैक्ट सेल फोन एडिक्शन का हो गया है। आज आप जहां भी जाओ, जहां भी घूमो, सब लोग अपना अपना स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के गेम्स देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे है, स्नैपचैट में है, ऐसे अलग अलग प्रकार के एप्स यूज कर रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि रियल लाइफ भी कुछ एग्जिस्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली ये सब लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया उनकी मोबाइल पे ही डिपेंडेंट है। ये मोबाइल एडिक्शन हमारे फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उसको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। मेरा ये पैशन है, मेरा ये इंटेंशन है, मेरा एक कॉन्टेक्स्ट है कि ये वीडियो के द्वारा मैं उन सभी लोगों को अवेयर करूं या जागरूक करूं, उनको साइको एजुकेशन दूं जिनके फैमिली में मोबाइल फोन एडिक्शन के लोग आज पेशेंट बन चुके हैं। आपके अगर फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो सेल फोन के आदि हो गया है, सेल फोन का एडिक्ट हो गया है, तो उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट आप ले ताकि उसका जो एडिक्शन है उससे वो बाहर निकल सके। बहुत ही छोटे, मतलब 7 से 8 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक सभी वर्गों में सेल फोन एडिक्शन पाया जाता है। सेल फोन एडिक्शन की ट्रीटमेंट हम करते हैं एज अ साइकेट्रिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट का बिहेवियर चेंज करना और साथ में ही जो आजू बाजू के लोग हैं उन्हें डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखना। जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे को या लड़की को या लड़के को सेल फोन एडिक्शन हुआ है, तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को डांटता हूं, फटकारता हूं और पूछता हूं कि क्या आप सेल फोन यूज कर रहे हैं। तो 90% पेरेंट्स का कहना है कि हम भी सेल फोन यूज करते हैं और उसी के कारण हमारे बच्चे को भी सेल फोन एडिक्शन हुआ है। तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, आपके दोस्त, सभी लोग सेल फोन का जो यूज है वो मिनिमम करें। आप यूज नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी यूज नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखें। हर वक्त पेशेंट, वो बच्चे को प्लीज करना, उनको एनकरेज करना, उनको रीइन्फोर्स करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो बच्चे ने सेल फोन यूज नहीं करना चाहिए तो आपने वो सेल फोन तुरंत लॉकर में रख देना चाहिए और उसको चाबी अपने जेब में रखनी चाहिए। साथ ही में वो बच्चे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको लाइफ में करना क्या है, उसकी लाइफ में गोल्स क्या है, मोटिवेशन क्या है, वो ढूंढना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही में ये बताना जरूरी है कि रियल लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। सेल फोन का एडिक्शन ये एक बिहेवियर का पैटर्न है। अगर हम 1 महीने तक 2 महीने तक पेशेंट को या व्यक्ति को सेल फोन से दूर रखते हैं तो मेरा कंप्लीट दावा है कि 2 महीने के बाद वो व्यक्ति सेल फोन का यूज करना बंद कर देगा। इसके बाद आते हैं मेडिसिंस। बहुत सारे मेडिसिंस आजकल उपलब्ध है जो देने के बाद पेशेंट का जो सेल फोन एडिक्शन है वो पूरी तरह कम हो सकता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति, पेशेंट, नेबर्स, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो ये सेल फोन के एडिक्शन से गुजर रहे हैं, तो इनको आप तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए आप साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आओ, हमारे पास लेकर आओ और इनका ट्रीटमेंट लो ताकि पेशेंट जो अभी प्राइमरी स्टेज पे है वो पूरी तरह अच्छा हो सकता है। अगर आपको सेल फोन एडिक्शन का ये वीडियो अगर आपको ये पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो और ये बीमारी के बारे में पता चले। ये सेल फोन एडिक्शन की बीमारी DSM-5 में, जो साइकेट्री की जो मेन जो प्रोस्पेक्टस है, मेन जो मैनुअल है, उसमें ये एक नई बीमारी के तौर पर उभरी है और इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसे पूरे दुनिया भर के साइकेट्रिस्ट बोलते हैं।
अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।